जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्रॉपरली एंड करें। कोई भी आर्टिस्ट होता है, पेंटर होता है, तो वो भी अपनी पेंटिंग में फिनिशिंग टच जरूर देते हैं। तो व्हेन अब ये सिर्फ 15 दिन बचे हैं इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन दिस लास्ट फ्यू डेज हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलना चाहिए, या वॉट शुड बी द फिनिशिंग टच जो हमको देने चाहिए। So hello guys, welcome to our channel anujinder.in. My name is Chetan and in this video I am going to discuss with you what are the five techniques, five best methods which you can use at this juncture when you have very less time. So is time pe aisa kuch nahi hai ki we can cover a lot of syllabus, but jo bhi kuch humne padha hai, how we can better revise all of that and how we can practice through mocks, that all we are going to discuss in this particular video. But before I start with the video, before I start with the tips, I would like to give you one important piece of information that the past year paper book of RBI has been launched, aur uska link aapko is video ke description mein mil jayega. So that particular book contains all the past years for RBI grade B phase 1 and phase 2. All right. So these are some of the techniques or methods which we can use in this final moment, जहां पे रिवीजन बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट स्टडी टू मच न्यू कॉन्सेप्ट्स, रादर वी रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ओके, सो लाइक सबसे पहले रिवीजन थ्रू नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज थ्रू आर पर्सनल नोट्स। पर्सनल नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड रिवाइजिंग थ्रू आर ओन नोट्स इज वेरी वेरी क्रूशल। सो इट्स इंपॉर्टेंट जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो आपके जनरल अवेयरनेस के हों, क्वांट और रीजनिंग के हो, ओके, सो यू रिवाइज ऑल दोज नोट्स एट दिस जंक्शन। ओके, जैसे कि रिवीजन की बात करें तो स्पेशली योर जनरल अवेयरनेस, रिवाइजिंग योर नोट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस, अब वो चाहे आपके पीआईबी के नोट्स हो, बी इट गवर्नमेंट स्कीम, बी इट द नोट्स ऑफ आरबीआई 247 और स्पॉटलाइट, जिन सभी के नोट्स आपको इस टाइम पे रिवाइज करने हैं, बिकॉज इफ यू रीड द इंटायर डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज थ्रू आर हैंडमेड नोट्स, अब वो हैंडमेड भी हो सकते हैं, डिजिटल नोट्स भी आपके हो सकते हैं। ओके, देन यूजिंग एक्रोनिम्स, निमोनिक्स, मैप, स्टोरी, विजुअल एड्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स वाइल वी आर रिवाइजिंग, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स विच आई हैव मेंशनड ओवर हियर, दे विल ऑल हेल्प यू टू मेमोराइज बेटर। इन सभी से आपकी रिटेंशन इंप्रूव होगी, बिकॉज विजुअल एड्स की बात करें, मैप्स की, स्टोरी की बात करें, सो वेन एवर एनी थिंग विच इज इन विजुअल फॉर्म और इन ऑडियो फॉर्म, इट हैज मोर रिटेंशन पावर, वो ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है हमारे माइंड में। हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ लिखते हैं, उससे अगर हम कंपेयर करें, सो ऑडियो विजुअल ऑलवेज हैव ग्रेटर रिटेंशन इन आर मेमरी। ठीक है, देन यूजिंग एक्रोनिम्स और निमोनिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं, तो अभी आई विल शो यू एग्जाम्पल्स, मैं इन सभी के आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा, निमोनिक्स के, एक्रोनिम्स के, हाउ यू कैन यूज दीज थिंग्स टू बेटर मेमोराइज whatever you have learnt, ठीक है? Then attending all the revision classes, sessions and marathons, जो भी classes अब हो रही हैं, all of these classes are of revision classes only. कुछ भी हम लोग नया नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, so it's very important that you attend all those classes and not miss any of the class, because the benefit of live class is more than if you will watch it later. तो लाइव में जो अटेंड कर लोगे, दैट हैज मोर रेलेवेंस, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ओके, रादर यू नो व्यूइंग इट लेटर। तो लाइव क्लासेस में आना बहुत जरूरी है। देन एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिवीजन के बारे में पहले भी काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ओके, व्हाट इज एक्टिव रिवीजन? एक्टिव रिवीजन का सिंपल मीनिंग ये होता है दैट व्हेनेवर यू रीड समथिंग, व्हेनेवर फॉर एग्जांपल यू आर, अब आपको रिवाइज करना है, तो व्हेनेवर यू रिवाइज समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ, लेट्स सपोज आपने जून मंथ के रिवाइज करे, या जून तो भी चल रहा है, तो लेट्स सपोज आपने मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज करे, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड जस्ट राइट डाउन व्हाट एवर यू रिमेंबर। सो दिस वे व्हेन यू राइट डाउन व्हाट एवर यू रिमेंबर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ रिवाइजिंग। तो एक्टिव रिविजन का भी हमें काफी यूज करना चाहिए, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे एक्टिव रिविजन विल प्ले अ मेजर रोल व्हेन वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट द इंटायर सिलेबस, हमने सारा सिलेबस कवर कर रखा है। देन अटेम्प्टिंग ऑल द 10 मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उनका एनालिसिस भी। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे यू कैन राइट अ मॉक, एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन राइट वन मॉक टेस्ट, एंड देन एनालिसिस ऑफ इट, एनालिसिस इज वेरी वेरी क्रूशियल,
ठीक है, कि क्वांट में, रीजनिंग में, जीए में, यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर योर वीक एरियाज, व्हाट आर योर स्ट्रांग एरियाज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एम्फसाइज मोर ऑन योर वीक एरियाज, एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, सो यू कैन बेटर यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ इन द एक्चुअल एग्जाम. ओके, सो दीज आर वेरी वेरी जनरिक पॉइंट्स बट वेरी वेरी क्रूशल, एंड आई यू नो सपोर्ट ऑल ऑफ माई पॉइंट्स थ्रू एग्जाम्पल्स. मैं कुछ आपको अभी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी होगी, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द रिविजन टेक्निक्स विच आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड यूज बाई मैनी पीपल एंड विच यू कैन ऑल्सो यूज, एंड मैनी ऑफ दिस टेक्निक्स यू वुड बी अवेयर ऑफ, लाइक पोमोडोरो टेक्निक इज वन रिविजन टेक्निक. इस टेक्निक में क्या होता है दैट यू स्टडी इंटेंसली फॉर 25 मिनट्स, ओके, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी मोबाइल फोन इन फ्रंट ऑफ यू, यू स्टडी फॉर 25 मिनट्स विद फुल अटेंशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन यू टेक अ 5 or 10 minute ब्रेक. दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक स्पेशली फॉर रिविजन. ओके, सो दिस टेक्निक यू कैन डेफिनेटली इंप्लॉय वाइल यू आर रिवाइजिंग. देन वन इज कॉल्ड रिविजन थ्रू फ्लैश कार्ड. ओके, सो दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन. यू कैन क्रिएट योर नो डिजिटल फ्लैश कार्ड इन योर पावर पॉइंट और इन योर वर्ड, और यू कैन इवन क्रिएट फ्लैश कार्ड ऑन योर नोटबुक और नोट पैड. ओके, सो फ्लैश कार्ड बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल एस्पेशली वेन यू आर रिवाइजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और यू नो स्पॉटलाइट और करंट अफेयर्स. देन क्रिएटिंग चीट शीट्स. नॉट चीट शीट इज एस्पेशली यूजफुल फॉर योर राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग. ओके, क्वांट रीजनिंग के शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज के लिए चीट शीट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल. ओके, यू कैन पेस्ट दैट शीट ऑन योर एलमीरा और ऑन सम वॉल एंड यू कैन यू नो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सो दिस चीट शीट कैन प्रूव रियली रियली हेल्पफुल एस्पेशली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट ऑल्सो. आई विल शो यू वन चीट शीट विच आई हैव क्रिएटेड, अ सैम्पल चीट शीट. एंड देन ब्लर्टिंग. ब्लर्टिंग इज अगेन अ रिविजन टेक्निक. तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में इट सिंपली सेज दैट समथिंग सिमिलर टू एक्टिव रिविजन विच आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू रीड समथिंग. एंड जैसे ब्लर्टिंग का मतलब क्या होता है, यू जस्ट ब्लर्ट एवरीथिंग आउट ऑन पेपर. सो ब्लर्टिंग एवरीथिंग आउट ऑन पेपर, सो जो भी आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडीड फॉर 25 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल यू रिवाइज योर नोट्स फॉर 25 मिनट्स और 30 मिनट्स, वट एवर ड्यूरेशन, एंड देन यू जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग वॉट यू रिमेंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर. After that, you will see what are the gaps in my knowledge, जो मैंने पढ़ा and जो मैंने लिखा paper पे. So जो gaps रह गए, then you write down those gaps at the end of the paper. So this is also a tried and tested technique for revision used by many students and candidates. So you can employ these revision techniques. This can really help you in your preparation. And finally, before discussing the cheat sheet, I have one sample of cheat sheet also. But first of all, I would like to discuss you some examples of acronyms or mnemonics which could be, which you can use for yourself, which you can create for yourself, okay? Because see, multiple times revise, multiple revision of current affairs or general awareness is very, very crucial. But at the same time, it's also important that we create these sort of tricks and hacks so that we can better memorize them. Jaise ki bachpan mein hum log karte the, for example, when we tried to remember the 9 planets, to hume kya padhaya gaya tha? My very educated mother just showed us 9 planets. So my stands for Mercury, okay, my very, V stands for Venus. तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था. So this is a basic example of mnemonic. या फिर जो chemistry में element table होती थी उसको याद करने के लिए भी हम एक mnemonic बनाते थे. और for example trigonometry के जो हमारे symbols होते हैं, sin theta, cos theta, tan theta, उनको याद करने के लिए भी हमने एक mnemonic बना रखा था. So these are examples of mnemonic. जैसे कि example लेते हैं, government of India, एक current affair है, government of India plus World Bank ने $500 million का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है विद 4 states ऑफ इंडिया. अब इन चारों स्टेट्स का नाम याद रखना है, सो फॉर दैट वी कैन क्रिएट अ निमोनिक. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में राहु लग गया है, सो यार आर स्टैंड फॉर राजस्थान, ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, एच स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश, यू स्टैंड फॉर यूपी. सो दिस इज वन एग्जाम्पल, अ बेसिक एग्जाम्पल. यू कैन क्रिएट सिमिलर टाइप्स ऑफ निमोनिक्स और एक्रोनिम्स फॉर योर सेल्फ. वन अनदर एग्जाम्पल, हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर इन इंडिया आर राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, एपी, 5 states. ओके, टॉप 5 states. सो अब वन वे टू रिमेंबर दिस कुड बी, राजस्थान के गुजर एमपी यूपी को अपना मिल्क बेचते हैं. सो राजस्थान आ गया, गुजर से आपका गुजरात आ गया. ओके, देन एमपी इज मध्य प्रदेश, यूपी इज उत्तर प्रदेश, एंड अपना से आपका आ गया आंध्र प्रदेश. So these types of things you can definitely create for yourself. This will definitely help. Now I'll also like to show you one sample of cheat sheet which I have created, which I think could also definitely help you guys in
memorizing the formulas of quant and reasoning. So I have created one for quant. You can similarly create for reasoning also. Although reasoning में आपके इतने formulas या shortcuts होते नहीं हैं, but still, like you can see, I'll just zoom it. So this is what I have created, a sample thing. Okay, this is not exhaustive. So this is one sample I have created, which you could, you know, create for yourself, for the formulas or the tricks or the shortcuts for quant. So इस तरीके से कुछ जैसे profit and loss, all the formulas of profit and loss at one place. ठीक है, then simple interest, compound interest, the important formulas, okay, which are difficult to memorize maybe. Then similarly, all the formulas for speed, distance, time, boats and streams, train distance. So जो भी important topics आपका quadratic equation, okay, everything about quadratic equation, sum of roots, product of roots, okay, difference of roots. So I have just jotted everything down on a single piece of paper. So आप एक single sheet भी बना सकते हो for quant and reasoning combined. Okay, ऐसा भी कर सकते हैं, because अभी तो मैंने यहाँ पे उतना judiciously space को use नहीं किया है, but a cheat sheet जो भी होती है उसमें काफी हम you know small small छोटा छोटा लिखते हैं और space को काफी judiciously use करते हैं ताकि एक ही sheet में हमारा सारा compile हो जाए. Okay, similarly I have created some formulas, written some formulas for mixture allegations, okay, ratio proportion. तो इस तरीके से you can create something for yourself. These things definitely you know help us in the examination. So it's very important that we, you know, understand this thing, that at this point of time, it's not important, it's not necessary to read new things. Rather, it's more important that you revise and revise whatever you have already studied, because last 15 days should be only for revision and writing mock test. Mock test ke liye maine aapko bata diya, every alternate day you can write one mock and then analyze that mock test. Usko ek do ghante dene hai uske analysis pe bhi, acche se uska analysis karna hai humko, theek hai, 360 degree analysis. And the last thing which I would like to say is confidence. So if you are confident enough, so 50% of the war is won. It all boils down to confidence. Actual exam mein, actual exam wale din par confidence kaafi major role play karta hai. So we should be confident ki maine taiyari achhi kari hai, I have given my 100%. अभी मुझे रिवाइज करना है, मैंने अपना 100% दिया है. नाउ आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गो एंड राइट द एग्जाम एंड एस द एग्जाम. ठीक है, सो गाइस यही सारी चीजें थी जो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था अबाउट कि लास्ट 15 डेज में हम लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चल सकते हैं. आई वुड लाइक यू गाइज टू कमेंट, टू गिव मी सम सजेशंस, जो भी आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है, और यू वॉन्ट मी टू मेक एनी अदर वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो जरूर मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा. So thank you very much guys, all the very best, goodbye, take care and Jai Hind.